हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। फोटो देखकर आप लोग समझ गए हो कि आज हम बनाने वाले हैं केक, जिसके लिए हमें घर के सामान चाहिए। हमें इसमें ना तो अंडा चाहिए और ना मैदा लगेगा इसमें। जो घर में सामान अवेलेबल है खाली, हम उससे ही बनाएंगे केक। तो सबसे पहले हमें एक कटोरी आटा चाहिए, गेहूं का आटा है, और जिससे हम गेहूं का आटा नापेंगे वो कटोरी से सारा नापेंगे। अब एक कटोरी शक्कर लेंगे, जिससे मैंने गेहूं का आटा नापा था वही कटोरी से हम सारा नापेंगे। एक कटोरी रवा है, जिसे हम सूजी भी कहते हैं। आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल है, घी भी यूज़ कर सकते हैं पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। आधा ग्लास दूध है, अगर हमें और दूध की जरूरत पड़ेगी तो ऊपर से डाल सकते हैं। ये एक कटोरी दही है, वेनिला एसेंस। एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें मैंने शक्कर नहीं पीसा है, शक्कर अब पीसेंगे। मैंने पहले सब कुछ पीस के नहीं रखा हुआ है, हम सारा मिक्सी के जार में ही पीसेंगे। पहले शक्कर डालेंगे, फिर दही डालेंगे, अब इसे पीस लेंगे। ऐसा हो जाएगा पीसने के बाद। अब इसमें आटा डालेंगे गेहूं का, पूरा आटा डाल देंगे एक कटोरी में। अब इसमें दूध डालेंगे, अच्छे से पीस लेंगे बारी। ये देखिए ऐसे पीसना है, ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए ना ज़्यादा गीला होना चाहिए। अब इसी में हम रवा डाल देंगे पूरा। और जो बाकी का दूध है वो सब डाल देंगे। फिर से पीस लेंगे। देखिए पीसने के बाद में ऐसा हुआ है। ऑयल डालेंगे, वनीला एसेंस डालेंगे आधा चम्मच, पीस लेंगे। पीसने के बाद में देखिए ऐसा है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे पूरा। देखिए ऐसा रहना चाहिए पीसने के बाद। थोड़ा सा दूध डालेंगे, घुमा के उसमें डाल देंगे। ये मिक्सर हमेशा मतलब परफेक्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा गीला होना चाहिए ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए। देखिए ऐसे रहना चाहिए। इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसको गैस में गर्म होने के लिए रख देंगे, ऐसा स्टैंड रख देंगे और उसे ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। बैटर हमारा तैयार है, 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए अच्छे से फूल चुका है ये। उसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे एक चम्मच। हमें बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ बेकिंग पाउडर का यूज़ करना है। दूध डालेंगे, मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। आप इसे मिक्स करिए। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। इसमें हम टूटी फूटी डालेंगे। एक से दो चम्मच मिक्स करें। अब एक बर्तन लेंगे, अगर आपके पास में केक टिन हो तो आप उसे ग्रीस कर लीजिए। आटा
आटा डालेंगे, उसे डस्टिंग करेंगे अच्छे से चारों तरफ, ताकि हमारा जो केक है चिपके ना, आसानी से निकल जाए। अच्छे से डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालेंगे, अगर आपके पास में पिस्ता है तो आप वो भी डाल सकते हो। इसे टैप टैप करेंगे। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। केक को हम अच्छे से रख देंगे। रखने के बाद इसे ढक दीजिए 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। देखिए केक हमारा भी ऊपर आ रहा है। इसे फिर से ढक देंगे और 5 मिनट के बाद में फिर से इसे चेक करेंगे। हम इसे चाकू डालेंगे साइड से। देखिए केक हमारा भी गीला है। इसे 15 मिनट अभी और लगेंगे। ढक दीजिए ऐसे। हम फिर देखेंगे 15 मिनट के बाद में। केक का कलर देखे चेंज हो चुका है, साइड साइड से ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम बीच से चेक करेंगे। देखिए पक चुका है अच्छे से, कुक हो चुका है, नहीं लग रहा है। इसका मतलब हमारा केक अच्छे से पक चुका है। देखो साइड साइड से अच्छा ब्राउन हो चुका है, कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। 10 मिनट के लिए इसे ऐसे रहने दीजिए, ठंडा होने दीजिए। उसे हम एक प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे। देखिए साइड साइड से भी पक चुका है अच्छे से, कितना अच्छा दिख रहा है। केक हमारा बनके रेडी है, आटे का केक। बहुत ही इजी रेसिपी है।